फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सुमंत कुमार और आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं यहां पर जो यूएसबी केबल है उसको आप किस तरह से अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप या एलईडी टीवी, स्मार्ट टीवी जो भी है आप उसके साथ कनेक्ट कैसे करेंगे। तो मेरे हमें आप देख रहे हैं तो यहाँ पर एक यूएसबी केबल 1.5 मीटर की है। तो यहाँ पर आप इसे किस किस से कनेक्ट कर सकते हैं तो उसकी भी नीचे डिटेल दी गई है। इन्हीं डिवाइस के साथ आप यूज कर सकते हैं, इसको पीछे भी ऑप्शन दिए हैं। तो नॉर्मली इसको आप अपने स्पीकर, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह के साथ कनेक्ट कर सकते हैं पहले डिवीजनों के। और तो मैं इसको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए निकाल के कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से है। यहाँ पर ये खोल लेता हूँ, तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, 1.5 मीटर की, तो इस तरह से लंबाई है। यहाँ पर तो आपको मेरे हाथ में दिखाई दे रहे होगी लगा ये है। तो इसको आपके चल यहाँ पर 2 पोर्ट दिए गए हैं, एक तरफ से मेल फीमेल करके है। तो इस तरह से इसको आपको इस वाले पोर्ट को आपको लगाना है यूएसबी, और यहाँ पर आपको यूज करना है जो आपकी पेन ड्राइव वगैरह है कुछ भी। तो यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट करके दिखाने वाला हूँ अभी, तो आपको देखिए किस तरह से कनेक्ट करना है। वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलते रहें और आप मेरे नए नए वीडियो को एंजॉय कर सकें। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं देता हूं, तो इसे स्टार्ट ही करते हैं। चलिए फ्रेंड, आपको यहां पर ये दिख रहा होगा यहां पर इस तरह से। तो जो आपकी यूएसबी यहां पर पोर्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ और भी एक्स्ट्रा पोर्ट यहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पर 2 पोर्ट हैं, तो मैं इसके फर्स्ट वाले ही पोर्ट में यहाँ लगा देता हूँ। आपको नीचे यहाँ ग्रीन कलर का पॉइंट दिख रहा है, तो यहाँ पर ये यूएसबी पोर्ट है, तो यहाँ पर मैं इसको लगाता हूँ। आप देखेंगे देखिए प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लग चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से जो भी अभी डिवाइस कनेक्ट हो गई है हमने एलईडी स्मार्ट टीवी के साथ इसको यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। तो ये जो दूसरा भाग है इसमें आप अपना कोई पेन ड्राइव वगैरह लगा के यूज करके देख सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर पेन ड्राइव लगाता हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी जो यहाँ पर लगाई है इस तरह से आपको दिख रही होगी, इसमें अभी हम कनेक्ट करेंगे पेन ड्राइव को। मैं यहाँ पर एक बार पेन ड्राइव को कनेक्ट कर लेता हूँ, अभी मैंने आपको कोड दिखाया था जिसमें इस तरह से जो आपकी पेन ड्राइव डिवाइस दिखाई दे रही है आपको। तो यहाँ पर इसको कनेक्ट कर लेना है, अभी मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। कुछ लगभग यहाँ पर आप देखेंगे कनेक्ट होगी, तो इससे दिख रही है। इसको कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप डिस्प्ले पे देखेंगे, डिस्प्ले पे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन खुल गए। तो मैं यहाँ जो रिमोट है उससे यहाँ कनेक्ट करके देखता हूँ। यहाँ पर आपको स्मार्ट टीवी के साथ अपने कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन खुले हैं। जो आपने पेन ड्राइव लगाई पेन ड्राइव का नाम यहाँ पर आ जाएगा, आप सेटिंग में जब जाएंगे इनपुट डिवाइस में, तो यहाँ पर जब आपने आप जो पेन ड्राइव वगैरह है उसको फिर से कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको डिस्प्ले पे 2-3 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको म्यूजिक, रिकॉर्डिंग, फोटो 2-3 ऑप्शन मिलते हैं। तो आपको अगर कोई वीडियो वगैरह है तो आप इसमें जब उसको ओपन करेंगे तो इस तरह से आपकी जो पेन ड्राइव है उसके यहाँ पर काफ़ी सारे फोल्डर आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप इस फोल्डर में कोई वीडियो वगैरह कुछ भी पड़ा है तो आप उसको चला सकते हैं, म्यूजिक वगैरह कुछ भी। मैं एग्जाम्पल के लिए कुछ
यहाँ पे आप देखेंगे जो भी यहाँ पे वीडियोज़ वगैरह हैं तो सबका यहाँ पे इस तरह से रिटर्न आपको दिखाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैं कोई वीडियो वगैरह देख लेते हैं, यहाँ पे चल रहा है नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है, हम लोगों को इस तरह से वीडियो वगैरह कनेक्टिविटी आ रही है। वीडियो के साथ हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ फोटो वगैरह का, तो मैं अभी इसे हटा देता हूँ। और यहाँ पर कुछ फोटो वगैरह भी आप देख सकते हैं जो भी आपके इस तरह से फोटो वगैरह भी कुछ इस तरह से ही दिखाए। अब मेरे डिवाइस कनेक्ट किए ऐसे ही बहुत सारे हैं, आप एक एक करके अपने सारे फोटो वगैरह को देख सकते हैं। आप ऐसे ही आप एक एक करके सारे फोटो यहाँ पर इसी तरह से दिखा देंगे। तो फ्रेंड कुछ इसी तरह से ही आपको कनेक्ट कर लेना है और उसके बाद आप अपनी वीडियो ऑडियो फ्रेंड ऐप के जरिए देख पाएंगे। तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ गए होंगे। तो फ्रेंड आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए और भी नए वीडियो लेकर आता रहूँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।